Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the series of data compression, till now we have discussed about data compression in detail. Then we discussed two methods by which we can compress our data. The two methods are lossless method and lossy method. A lossless method is used to compress text and program, and the lossy method is used for compression of image, video and audio files. In lossless method, we have discussed about run length and Lempel-Ziff method. Here in this lecture, we'll discuss about Hoffman encoding. So let's begin with Hoffman encoding. Hoffman encoding में आपके पास देखिए इस तरीके की एक टेबल गिवन होगी जहाँ पे आपके पास सिंबल गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और कोड गिवन होगा. जैसे कि यहाँ पे एक फ़ाइल होती है ना, तो उसमें कौन कौन से सिंबल यूज़ हो रहे हैं. तो ये वाली जो फाइल है उसमें आपका ए यूज़ हो रहा है, बी यूज़ हो रहा है, सी यूज़ हो रहा है, देन आपका डी यूज़ हो रहा है, देन ए हो सकता है फिर से यूज़ हो रहा हो, ई यूज़ हो रहा है. इस तरीके से ये फ़ाइल क्रिएटेड है, ठीक है. और ये आपके होगा सिंबल. अब प्रोबेबिलिटी की बात आती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि ए जो है वो 12% चांसेज हैं इसमें अकर होने के, देन आपकी जो बी है वो आपकी आपका 4% चांसेस हैं इसमें अकर होने का, देन जो सी है वो आपका 45% चांसेस अकर होने के हैं, डी जो है वो 16% आपके चांसेस हैं इस फाइल में अकर होने के, और जो ई है वो आपका 23% चांसेस हैं इस फाइल में आकर होने के. देन आपके यहाँ पे कोड गिवन होगा, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है हॉफमैन इनकोडिंग का कि जो भी टेबल होती है आप उसको रीअरेंज करना इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, सॉरी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो यहाँ पे देखिएगा ये आपकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना. मतलब सबसे हाईएस्ट इसकी है, तो 45 आपका 0.45 आपका यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आपका 0.23 आएगा, देन यहाँ पर आपका आएगा 0.16, देन 0.12 एंड लास्ट में आ जाएगा आपका 0.04. तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपने इस टेबल को अरेंज कर दिया, और यही हॉफमैन इनकोडिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है. ये आपका अरेंज हो गया. देन हम क्या करते हैं, हमें ट्री बनाना होगा. तो याद रखना ट्री हमेशा बाइनरी बनेगा, तो इसके दो चाइल्ड होंगे. दूसरी चीज़, ट्री में वैल्यूज़ कैसे जाएंगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपकी राइट हैंड साइड में लिखिएगा. वैल्यूज़ हम कहाँ से देखेंगे, इस टेबल से देखेंगे. मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है इसमें, 0.04, और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.12. तो यहाँ पे जो छोटी वैल्यू है, मतलब जो बी है वो आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा कि राइट हैंड में साइड में जाएगा, तो हमारा बी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा. तो ये आपका हो गया बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा. बी मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.04 और यहाँ पे 0.12, ये हो जाएगा. उसके बाद आप क्या करोगे ना, इन दोनों को ऐड कर देना. तो जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास 0.16 आएगा. इसके बाद ए और बी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 0.16, जो कि किसकी है, डी की है. अब देखिए जो 0.16 है डी की वैल्यू, वो इसके बराबर होगी. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें दोनों वैल्यूज़ बराबर रहती है ना, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी और जो आपने ऐड किया है इसका जो भी रिजल्टेंट है वो आपका बराबर है, तो जो न्यू वैल्यू होती है वो हमेशा आप कहाँ लिख देना, राइट हैंड साइड में. हर क्वेश्चन में यही चीज़ करना, ठीक है. अब जो आपका डी है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख दोगे. नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.32. अब हमारे पास डी, ए और बी जो है वो कंप्लीट हो चुका है. हमें किसको लेना होगा, ई को लेना होगा. हम चेक करेंगे 0.23 आपका 0.32 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0.23 आपका छोटा है. तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा कि राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये छोटा है तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में. और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ई लिख दोगे. तो जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख दोगे. तो ये आपके आ गया 0.55. अब आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कौन सी है, सी. सी कितना है आपका, क्योंकि आपके ये सब कंप्लीट हो गया, जो बचा क्या है आपका, केवल सी बचा है. और सी की वैल्यू कितनी है, 0.45 से छोटा है कि बड़ा है, तो यस ये छोटा है, तो ये कहाँ जाएगा, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा. और ये किसकी वैल्यू है, सी की. जब एक बार इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपके पास ये जो रिजल्टेंट आएगा ये बनाएगा. अब ये एक बार जब आप ट्री बना लेना, इसके बाद हमारी बारी आती है कोडिंग करने की. तो कोड करने के लिए याद रखना जो भी ब्रांचेज हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड की ब्रांचेज हैं उसमें हम 0 नंबर देते हैं, और जो राइट हैंड साइड की ब्रांचेज उसको हम 1 नंबर देते हैं. स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1. तो आपकी ये
कोडिंग जो थी वो भी आपने कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या निकालना है, सी का कोड निकालना है। तो सी आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको ट्रैवर्स कर लो आप, ज़ीरो, तो ये कितना आ गया, ज़ीरो आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ई निकालना है तो ई कैसे होएगा आपका, आप यहाँ पे ट्रैवर्स कर लो, वन ज़ीरो, तो ई का क्या हो जाएगा आपका, वन ज़ीरो। और इसी तरह जब आप आगे निकालोगे तो आपके जो कंप्लीट कोड बनेंगे वो ये बनेंगे। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि कैसे आए हैं ये कोड। आपका ये ए है, ए निकालने के लिए यहाँ से रूट नोड से ट्रैवर्स करिएगा, वन वन ज़ीरो वन, तो ये हो गया। देन बी का निकालना है तो फिर वन वन ज़ीरो ज़ीरो, ये बी का हो गया। देन सी का ट्रैवर्स करिएगा रूट से, तो ये आपका ज़ीरो। डी का वन वन वन, तो ये आ गया डी का। एंड देन ई, तो ई है वन एंड ज़ीरो। ये आपका कंप्लीट हो गया है हॉफमैन कोडिंग। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।